हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप दोस्तों? ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आपको बहुत एंड तक देखना है, और उसके पहले एक वार्निंग आपके लिए कि इट्स टाइम टू रिस्टोर योर एनर्जी। ठीक है, बहुत ठोक पीट के आपके संग टेस्ट होने वाले हैं, आपकी एनर्जी भी बहुत ड्रेन होगी उन साइड टेस्ट में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रह सकते हो। पर्पज़ क्या है, क्या चल रहा है? जो इस वक्त हमारी मैसिव सोलर फ्लेयर सुपर वेव्स जो हैं, इस वक्त उसकी फ्रिक्वेंसी हमारी अर्थ प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारा कम्प्लीटली डोमिनेंट डीएनए चेंजिंग चल रहा है। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ क्रिएटिंग क्रिस्टल 5D ग्रिड। ठीक है, इन ईजी लैंग्वेज हम अपनी मदर अर्थ को एक बेटर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, टर्निंग योर मदर अर्थ एज अ बेटर प्लेस टू सर्वाइव। तो इस वक्त एक स्कैटरिंग हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारी ग्रिड पे, वी आर क्रिएटिंग अ क्रिस्टल 5D ग्रिड, राइट? तो ये जो मदर अर्थ है, इसका स्ट्रक्चर स्पिरिचुअलिटी का होगा, इसका पर्पस स्पिरिचुअलिटी होगा। स्पिरिचुअलिटी विल बी आवर रिलीजन, बिकॉज देर इज नो रिलीजन। तो अगर एक साधारण भाषा में कहा जाए तो इस 5D ग्रिड को डायरेक्ट कनेक्शन आपका इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से होगा। स्पिरिचुअलिटी ही हमारा नेचर होगा, स्पिरिचुअलिटी ही हमारा पर्पस होगा। अगर मैं कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी ही हमारा एक धर्म होगा, राइट? सो दिस टाइम आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस की मोड में रहना है। ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि अपनी वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा हाई करके रखना है। आपके टेस्ट, आपके इम्तिहान आपके कर्मा पे होंगे। कर्मा क्लियरिंग फॉर योर सेल्फ, कर्मा क्लियरिंग फॉर योर एंटायर फैमिली इज इम्पॉर्टेंट। आपके फेथ का टेस्ट होगा, आपके सरेंडर की एनर्जी का टेस्ट होगा, आपकी एक्सेप्टेंस की एनर्जी का टेस्ट होगा, आपकी कंप्लीटली ईगो डेथ का टेस्ट होगा। सो आगे डिवाइन फेमिनिन हमको कंप्लीट ईगो डेथ पे बहुत अच्छा आप हमको गाइडेंस दे रही हैं। हमारी इस वक्त जो असेंशन कॉन्शियसनेस है और मोक्षा कॉन्शियसनेस, इस पे बहुत ही अच्छा ये वीडियो है, डिटेल में है, ये कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इट्स अ वेरी वाइटल विजडम, एंड विजडम ही हमारे आने वाले टाइम पे हमारी ग्रोथ, हमारी सक्सेस, हमारी हर चीज़ के लिए हमारी विजडम ही रिस्पॉन्सिबल होगी। दोस्तों, इस वक्त एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट में कहना चाहूँगी कि बिकॉज दिस टाइम वी नीड टू स्टोर आवर एनर्जी, सो आई एम ऑल्सो रीस्टोरिंग माई एनर्जी दिस टाइम, प्रोटेक्टिंग माई एनर्जी। आप सबको अपनी एनर्जी इस वक्त प्रोटेक्ट करनी है। एट द सेम टाइम एग्ज़ाम्स टाइम भी चालू हो चुके हैं। सो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग व्हाट्सएप पे सिर्फ रिगार्डिंग काउंसलिंग और इफ़ एनी इमरजेंसी रिगार्डिंग कोर्सेज, सिर्फ बहुत ही शॉर्ट में मुझे व्हाट्सएप पे लिखेंगे, नो अननेसेसरी लॉन्ग चैट्स। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हम हमारी पूरी फैमिली की ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, सो चलिए हम डिवाइन फेमिनिन को सुनते हैं और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। हाय सोल फैमिली, आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ईगो के बारे में, मोक्षा कॉन्शियसनेस क्या होता है, असेंशन टाइमलाइंस एंड इमोर्टैलिटी। लाइक कैसे हम एक इमोर्टैलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे एक असेंशन जर्नी में। सो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट सब में छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हर एक टॉपिक का वी विल ट्राई टू डिस्कस। ठीक है, सो पहली बात, हमारी जर्नी में ईगो डेथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि ईगो डेथ हमें अचीव करना है, बट ये ईगो डेथ हमें अचीव क्यों करना है और ये अचीव कैसे करना है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा ये समझने के लिए कि क्यों करना है और कैसे करना है, हमें समझना पड़ेगा कि ये ईगो है क्या और एक्चुअली ये ईगो बना कैसे, या ये ईगो हमारे सोल से अटैच कैसे हुआ। ओके, सो ईगो का एग्जिस्टेंस था, डेफिनेटली था, एक ओल्ड 3D टाइमलाइन के लिए। ठीक है, दैट इज़ व्हाट ईगो, ईगो का मतलब है एनीथिंग जो आप अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, जो एक पुराने 3D टाइमलाइन से जुड़ा हुआ है। ओके, और आप ईगो डेथ यानी उसको आप प्राइड से कंफ्यूज मत करिए कि प्राइड है या अहंकार है, उसको हम ईगो बोलते हैं, वो और अलग, दे आर प्राइड एंड या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आर वन लेयर ऑफ ईगो। ओके, दैट इज़ अ लेयर ऑफ ईगो, बट ईगो इट्सेल्फ इज़ एवरीथिंग जो एक ओल्ड अर्थ या ओल्ड टाइमलाइन
को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सो ईगो क्या है और इसे रिमूव कैसे करना है, ओके। सो ऐसा समझिए कि आप एक सोल हैं जो एक दूसरी रियलिटी में जी रहे थे या दूसरी रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे थे। उस रियलिटी के अपने अलग रूल्स थे, अलग बिलीफ सिस्टम्स थे, अलग रिलेशनशिप्स थे, एंड टोटली जैसे एक गेम के रूल्स होते हैं वैसे ही उस रियलिटी के अलग रूल्स थे। अब आपको बोला गया कि आप अर्थ रियलिटी में आइए, ओके। तो आपका सोल जब अर्थ रियलिटी में आया, दैट सोल हैड इट्स सोल नेचर, ठीक है। वो सोल का एक नेचर था दैट इट वॉज जॉयफुल, हैप्पी, इट वॉज क्रिएटिव, इट हैड कम टू एक्सपीरियंस अर्थ रियलिटी की एक 3D बॉडी में आके एक 3D सॉलिड सर्फेस पे जीना इन दिस बॉडी ये सारे एनिमल स्पीशीज के साथ, प्लांट स्पीशीज के साथ, हाउ वुड इट बी, इतने सारे जो मिनरल्स हैं वो एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, ठीक है। सो इसलिए हमारा सोल या बहुत सारे ह्यूमन सोल्स एक अर्थ रियलिटी में एग्जिस्ट किए, ओके। बट यहाँ आने के बाद आपके सोल के ऊपर अलग अलग लेयर्स ऐड होना स्टार्ट हो गई। लेयर्स क्या कि छोटे छोटे बिलीव्स जिसमें सोल नेचर कुछ नहीं है, ठीक है। लाइक एक मे बी लाइक एक मैरिज को आई मीन वैलिडेशन के लिए एक पेपर वर्क लगता है, या फिर इवन मोर कि हमें दूसरों को दुखी नहीं करना है, हमें अपने आप को सैक्रिफाइस करके ही खुश करना है। एक गरीब इंसान का कम वैल्यू रहता है, एक अमीर इंसान का ज़्यादा रिस्पेक्ट रहता है, एनी रैंडम थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ एज ऑन डेट जो आपको अपने आसपास दिखाई देता है, ठीक है। या फियर क्या होता है ये आपके सोल ने यहाँ पे आके अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया। डिजायर्स क्या होते हैं, अटैचमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। दूसरी सोल्स को सोल्स की तरह ना समझते हुए, उनको सोल्स की तरह उनके लिए कंपैशन ना रखते हुए एक अटैचमेंट की तरह लेना। सो ऐसे बहुत सारे लेयर्स हो गए, जैसे कि अर्थ में गरीबी तो होती ही है, बिकॉज हम एक करप्टेड टाइमलाइन की बात कर रहे हैं कि करप्टेड 3D रियलिटी की कौन सी लेयर्स हैं, कि हमारे अंदर ये एनकोडिंग आ गया कि हमें बाहर गरीबी देखना ही है। हाँ, सो एक करप्टेड टाइमलाइन के सारे एनकोडिंग्स इसमें आ गए, जिसमें था कि एक पॉवर्टी होनी ही चाहिए, डिजीज़ होना ही चाहिए। ये सारे लेयर्स, बहुत सारी बिलीफ सिस्टम्स हमारे सोल के ऊपर चढ़ गया। और इस जर्नी का पर्पस सबसे पहले तो ये है कि लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम जो हमारी सोल ने वूंड्स लिए थे बिकॉज ऑफ दिस करप्टेड टाइमलाइन, वो सारी लेयर्स एक एक करके हटाना, सारे फॉल्स बिलीफ सिस्टम्स, सारे अर्थ रिलेटेड बिलीफ सिस्टम्स, अर्थ रिलेटेड जो रिजिड रूल्स हैं, वो लेयर बाय लेयर अपने अंदर से स्टार्ट हटाते जाना, स्टार्टिंग विथ हीलिंग, ठीक है। हम पहले हीलिंग से शुरू करते हैं, सारी वूंड्स की हीलिंग करते हैं, धीरे धीरे करते करते जब हम हीलिंग जो हमारी टाइमलाइन है उसमें आगे बढ़ते हैं, सो हम हमारे अर्थ बिलीफ सिस्टम फिर धीरे धीरे करके क्लियर आउट करना शुरू करते हैं। और हमारा मेन पर्पस है ईगो डेथ, यानी सारे लेयर्स हटा के गोइंग बैक टू द सेम नेचर ऑफ द सोल। मतलब समझिए कि अगर आपको यहां से दूसरे प्लैनेट के रियलिटी में दोबारा रीइनकार्नेट होना है, दोबारा जाना है, तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते ये सारी अर्थ और बिलीफ सिस्टम और ये लर्निंग लेते हुए, ठीक है। आपको पहले इस अर्थ में, इस करप्टेड टाइमलाइन में जो हम जी रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो सारी लेयर्स को अनलर्न करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे आके सीखा है, वी नीड टू अनलर्न इट, कि यहाँ बहुत स्ट्रगल होना चाहिए, पैसे बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमारे DNA को करप्ट करके हमारे अंदर ये DNA, फॉल्स DNA कोडिंग डाल दिया गया था, जिसकी वजह से अर्थ में सफरिंग आ गई। और जो जैसी हमारी एनकोडिंग है वही रियलिटी हमें बाहर दिखाई देती है, वही बाहर मैनिफेस्ट होने लगती है, ठीक है। सो ईगो डेथ का मतलब है ये सारी अर्थ रिलेटेड बिलीफ सिस्टम्स, जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, छोटी छोटी चीज़ों में, यानी कभी कभी हम कहीं लेट हो रहे हैं और जैसे किसी फ्रेंड ने कॉल किया तो हम बोल देते कि नहीं नहीं हम घर से निकल गए, या एनीथिंग, लोगों की जजमेंट का डर या वॉट एवर, सारी चीज़ें जो भी अर्थ रिलेटेड कार्मिक पैटर्न्स हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपका बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें करके धीरे धीरे करके अपने सोल से हटाना एंड अपने सोल के ट्रू नेचर को ट्रू नेचर में आना। आई मीन दैट सोल शुड बी रेडी टू गो टू एनी अदर रियलिटी इस लेवल
पे जाके हमें हील करते हुए, एक हीलिंग टाइमलाइन में आगे बढ़ते हुए सारे पैटर्न्स को भूलना है, ठीक है। सो हमारा डीएनए इस जर्नी में एक रीसेट मोड में जाने लगता है। ये हम कैसे समझेंगे? डीएनए यानी अगर आपको थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का आइडिया है तो जैसी हम कोडिंग करते हैं वैसा ही सॉफ्टवेयर चलता है, ठीक है। सो हमारे डीएनए को करप्ट कर दिया गया था, डीएनए कोडिंग को, उसमें जो कोडिंग, जो ओल्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न या हिस्ट्री जो हम कैरी करते आ रहे हैं, इट हैज़ फॉल्स एनकोडिंग विच वॉज करप्टेड। इसलिए हमारी बाहर की रियलिटी में भी वही मैनिफेस्ट होता है, हमें सफरिंग दिख रही है, गरीबी दिख रही है, बहुत सारे हमारे फियर्स हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, लस्ट है, ये सारे हमारा रॉन्ग प्रोग्रामिंग का कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ओके। सो इस जर्नी में हम एक तरह से रीसेट मोड पे जा रहे हैं हमारा डीएनए, जिससे उसमें पुराना प्रोग्रामिंग डिलीट हो रहा है और ये डिलीट होने के बाद नया प्रोग्रामिंग लिखा जाएगा दैट विल बी मोर अलाइंड टू अ हील्ड टाइमलाइन, हील्ड टाइमलाइन जो असेंशन की तरफ जा रहा है। तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, वो करप्ट हो गया है, ठीक है, या वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसमें बड़े सारे करप्टेड ऐप्स आ गए, तो हम क्या करते हैं कि कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो एक बटन होता है ना फैक्ट्री रीसेट, ओके, जिसमें हमारी सारी सेटिंग्स डिलीट हो जाएंगी और उसके बाद हम फिर से नए ऐप्स जो अच्छे वाले हेल्दी ऐप्स हैं वो डाउनलोड करते हैं, ठीक है। सो उसी तरह जैसे वो फ़ोन का फैक्ट्री रीसेट होता है या सिस्टम रीबूट होता है, उसी तरह से हमारा इस जर्नी में एक रीसेट मोड पे हम चले जाते हैं, ठीक है, टू डिलीट एनीथिंग दैट डजंट सर्व एंड वी आर नाउ रिस्टोरिंग इट विद द न्यू टाइमलाइन बिलीव्स, ओके। सो असेंशन टाइमलाइन को समझने के लिए आप एक तरह से ऐसा समझिए कि आप एक 3D टाइमलाइन छोड़ चुके हैं अभी, ओके, और एक ये नया बीच का टाइमलाइन है, ठीक है। सो जो हमारी सोल फैमिली है या स्टार फैमिली आप बोल सकते हैं, जो आपके स्टार सोल्स हैं, इंटरडायमेंशनल इंटरगैलेक्टिक सोर्सेज हैं या गैलेक्टिक फेडरेशन है, हमारी ये ट्रांजिशन को ईजी बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी टाइमलाइंस में ब्रेक किया इस जर्नी को, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि आपकी एक 3D टाइमलाइन है, आप ट्रांजिशन होके हमें 5D टाइमलाइन में आना है, ठीक है। बट अगर हमारा सोल डायरेक्ट 3D से 5D में जंप करेगा अगर, सो दैट थिंग विल बी सो शॉकिंग फॉर द सोल कि उसको अडाप्ट करने में टाइम लगेगा, बिकॉज यहाँ वो इतने बिलीफ सिस्टम कैरी कर रहे हैं एंड ये एक नए रियलिटी में आ रहा है, ओके। सो उन्होंने क्या किया है कि ये जर्नी को स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइंस में ब्रेक कर दिया है, ठीक है, इन मल्टीपल टाइमलाइंस, हीलिंग टाइमलाइन, असेंशन टाइमलाइंस, असेंशन टाइमलाइन के भी बहुत सारे स्टेजेस हैं। तो राइट नाउ अगर आप ये वीडियो लिटरली मैम के चैनल पे सुन रहे हैं एंड इफ़ यू आर कनेक्टेड टू हर, तो एक चीज़ समझिए कि आप काफ़ी हद तक, लाइक मेजोरिटी ऑफ यू, आप ये टाइमलाइन पूरी तरह छोड़ चुके हैं एंड यू आर समवेयर इन दिस असेंशन टाइमलाइन प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स 5D, ओके। तो जो आपको इवन फिजिकल रियलिटी दिख रही है 3D की, वो सडनली 5D में कन्वर्ट नहीं होगी, बट स्टेजेस में ये जर्नी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। लाइक हर एक जर्नी में और 3D का एस्पेक्ट कम कम आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आप एक असेंशन टाइमलाइन में एक स्टेज तक आ गए हैं, आप बाहर ऐसे ही रैंडमली किसी से भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो दैट पर्सन विल नेवर बी एबल टू रिलेट, ओके। या हम अपनी सोल फैमिली में आपस में डिस्कस करें, हम एक दूसरे की बातें समझ पा रहे, बट सामने वाला पर्सन विल नॉट एट ऑल अंडरस्टैंड, या उसने समझा भी तो वो कभी आके आपको उस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो क्योंकि आप समझिए कि वो जो दुनिया आपको दिखाई दे रही है, ओके, सब समझने के लिए बस समझिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि वो एक सिम्युलेटेड दुनिया है, एक गेम की तरह बाकी दुनिया है जिसमें सिर्फ आप रियल हैं या जितने सोल्स उस टाइमलाइन में हैं अभी वो रियल हैं, बाकी सारी दुनिया एक प्रोजेक्शन है, ठीक है, एक गेम की तरह, एक सिमुलेशन की तरह है जो आपको दिख रही है बट मे बी रियल में ना एग्जिस्ट कर रही हो, एंड धीरे धीरे करके वो जो सिम्युलेटेड वर्ल्ड है वो आपको कम कम होते होते आप सारी सोल्स के साथ 5D की तरफ पहुंच जाएंगे, जितनी भी सोल्स आर डेस्टिन्ड। एंड इट डजेंट मीन कि अगर बाकी लोग आपके बातें नहीं समझ रहे यानी वो सारे पीछे छूट गए 3D लाइन में, नो, एनी टाइम व्हेन जब उनका असेंशन का टाइम आएगा दे विल जंप इन टू दिस असेंशन टाइमलाइन विद यू, ओके। सो वेट अंटिल उन सोल्स का भी टाइम आए,
ठीक है. सो इन अ वे ये आप इसको एक सिमुलेटेड टाइमलाइन जैसे समझे, बिकॉज हियर यू आर फ्री टू फॉलो योर सोल्स नेचर, यू आर फ्री. ओके, बाकी दुनिया एक सिमुलेटेड वर्ल्ड की तरह समझिए, एक इल्यूजन की तरह समझिए, एंड इस टाइमलाइन में यू हैव दैट फ्रीडम टू फॉलो योर सोल्स कॉल. ओके, मैनिफेस्ट किया, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, कोई आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, जज नहीं करेगा. जस्ट ट्राई टू फॉलो योर सोल्स कॉल एंड सी द मैजिक दैट यू विल नॉट सी दी अदर पीपल एक्चुअली बॉदरिंग यू. ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एज अ कंसेप्ट कि हम स्टेप बाय स्टेप नए टाइमलाइन की तरफ जा रहे हैं. ओके, अगर आप इसको समझ पाए तो और ज़्यादा कि 3D टाइमलाइन धीरे धीरे करके हमारे टाइमलाइन से कोलैप्स होता जाएगा. तो आपकी जितने भी 3D इल्यूजन्स हैं या जो 3D अटैचमेंट्स हैं या जो आप 3D एक अटैचमेंट बेस्ड ड्रीम देखते हैं या एक जिद की तरह की सो एंड सो चीज़ तो मेरी लाइफ में होनी ही चाहिए, तो उस तरह से उसको धीरे धीरे वो अटैचमेंट्स ब्रेक करिए. लाइक अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है तो भी अच्छा है, नहीं हो रही है तो भी उतना ही खुश रहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर गुड टू पुल यू इनटू अ 5D टाइमलाइन. ओके, सो हर चीज़ एक स्टोरी की तरह हो रही है आपके टाइमलाइन में. अभी जो सिमुलेटेड असेंशन टाइमलाइन में हैं आप, वहाँ जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं, वो आपको बहुत बड़े लगेंगे, लिटरली लाइक इन योर फेस, बिकॉज those triggers are there to heal you. ठीक है, सो उसमें फ्रस्ट्रेट होके भगवान को कर्ज मत करिए या दुखी मत हो जाइए कि ये सब कब खत्म होगा या ये दुख कब कम होगा. इट इज़ नॉट फॉर दैट. ओके, वो आपका ईगो है जो चिल्ला रहा है उस टाइम कि ये सब कब खत्म होगा, दैट ओल्ड 3D ईगो जिसको 3D में वापस जाना है. बट इन रियलिटी काम डाउन दैट ईगो एंड ट्राई टू टेक लर्निंग फ्रॉम दैट ट्रिगर और सिचुएशन. अंडरस्टैंड वो आपके कौन से शेडो एस्पेक्ट को दिखा रहा है या आपके अंदर का कौन सा बिलीफ सिस्टम ब्रेक करना चाह रहा है. ठीक है, सो टेक दैट एज अ लर्निंग एंड कीप प्रोसीडिंग. ओके, सो जितने भी 3D जो एक होल्ड करके हम रखते हैं कि ये इवेंट तो मेरी लाइफ में होना ही चाहिए या ये मटेरियलिस्टिक चीज़ मिलनी ही चाहिए तभी हैप्पीनेस है, तो उन सारी चीज़ों को आप कम एनर्जी दीजिए और जिस टाइमलाइन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए. ठीक है, अब एक तरह से हम एक स्टेप बाय स्टेप मोक्ष कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं, मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हम इमॉर्टल बन रहे हैं. लाइक वी आर नॉट डाइंग, हम टोटली इमॉर्टल बन रहे हैं. ठीक है, डेथ तब होती है जब हम एक अपने आप को एक बॉडी समझते हैं. ठीक है, दैट वी आर दिस बॉडी एंड दिस बॉडी विल गो, बट धीरे धीरे हम बॉडी को छोड़ के एक सोल नेचर को दोबारा रिमेंबर करते जा रहे हैं कि हम एक इटर्नल सोल है. वी आर अ सोल जो प्लैनेट टू प्लैनेट ट्रैवल करता है फॉर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, राइट, एंड दैट सोल इज ऑलवेज इमॉर्टल. बट ये डेथ, नो डेथ, ये सारी चीजें तब होती है जब वी आर थिंकिंग ऑफ अवर सेल्स एज प्योर 3D बींग्स विच इज ओनली बॉडी, जहाँ सोल एक स्लीप स्टेट में है. ओके, सो द पर्पज ऑफ दिस जर्नी इज वाइल लिविंग वी विल अटेंड द मोक्ष कॉन्शियसनेस, या हम इमॉर्टलिटी की तरफ ह्यूमन बॉडीज में रहकर ही बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज हम अपनी सोल से और कनेक्ट होते जा रहे हैं और उस मेमोरी में वापस आते जा रहे हैं. ठीक है, सो जब हम बोलते हैं कि हमारा असेंशन हो रहा है तो सिर्फ हमारा असेंशन नहीं हो रहा है. ओके, लाइक हमारी बॉडीज चेंज होंगी, हमारे बिलीफ सिस्टम चेंज होंगे, हमारे सारी हैबिट्स चेंज होंगी, धीरे धीरे करके वो प्लैनेट में भी मैनिफेस्ट होगा. जब हमारी बॉडीज हार्ड कार्बन बेस्ड बॉडीज नहीं रहेंगी तो प्लैनेट अर्थ भी उतना हार्ड कार्बन बेस्ड मिनरल बेस्ड नहीं रहेगा. इट विल ऑल्सो ट्रांजिशन ग्रेजुअली इंटू दी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप थ्रू डिफरेंट, जो हमें सिर्फ दिखने के लिए लाइक लगेगा कि अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट हो रही है आने वाले सालों में, नॉट इमिजिएटली बट इन डेकेड्स टू कम, वॉल्केनोज आ रहे हैं, हमारे माइंड को उस रियलिटी से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि माइंड को वैसे ही समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जा रही है, अर्थ चेंज हो रही है क्योंकि हम चेंज हो रहे हैं अंदर से, राइट, तो डेफिनेटली अर्थ भी चेंज होगी और इतने सॉलिड फॉर्म में नहीं रह जाएगी इन मेनी मोर ईयर्स टू कम. ओके, एंड अर्थ अगर असेंड हो रही है तो धीरे धीरे अलग बाकी प्लैनेट्स भी असेंड हो रहे हैं एंड यूनिवर्स भी असेंड हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जेटिकली एंड वाइब्रेशनली कनेक्टेड. ठीक है, सो हम जब हमारे अंदर के ओल्ड पोर्टल्स बंद करते हैं और नए टारगेट्स ओपन करते हैं, जब हम अलग अलग डायमेंशनल बीइंग से कनेक्ट होना स्टार्ट करते हैं, उनसे गाइडेंस लेना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमको आगे जाके ये अर्थ रियलिटी में भी दिखाई देगा कि एक बाहर भी पोर्टल्स ओपन होना स्टार्ट हो गए अर्थ में भी, कि जहाँ हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं एट अ प्लैनेटरी लेवल ऑल्सो, बट दैट विल मैनिफेस्ट एट अ लेटर स्टेज. पहले हमारे अंदर के टारगेट्स ओपन होते हैं. ठीक है,
सो इसको एक एस्ट्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा आ जाए, दिस इज ऑल गैलेक्टिक पॉइंट, स्पिरिचुअल पॉइंट, बट अगर आपको एक थ्री डायमेंशनल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ठीक है, थ्री डी माइंड को समझना है, तो जैसे हमने एक वीडियो में बहुत पहले डिस्कस किया था कि हमारा अर्थ सोलर सिस्टम एक फोटोनिक बेल्ट में एंटर कर रहा है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में, लाइक सपोज हमारा गैलेक्सी है, दिस इज द कोर ऑफ गैलेक्सी, सो देयर इज अ डोनट शेप्ड फोटोनिक बेल्ट, ठीक है, अराउंड द गैलेक्सी, ओके, एंड हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे में भी रिवॉल्व करता है, मिल्की वे के कोर के मतलब सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है, एंड पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे के कोर के चारों तरफ भी रिवॉल्व करता है, तो वो रिवॉल्व करते करते एक फोटोनिक बेल्ट में एंटर हो रहा है जो एक सुपरनोवा स्टार का रिमेनिंग फोटोनिक बेल्ट है, ठीक है, एंड दैट हैज़ अ टोटली डिफरेंट वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन. सो जब हमारा सोलर सिस्टम अब इसमें एंटर होना स्टार्ट हुआ था अगेन रिपीटिंग 2012 में, एंड नाउ इट इज़ कम्प्लीटली एंटरिंग, एंड दोज फोटोनिक बेल्ट के जो वाइब्रेशन है दैट इज डेफिनेटली हैविंग एन इम्पैक्ट ऑफ अर्थ एंड द सन. हमारा सन चेंज हो रहा है, द नंबर ऑफ सोलर फ्लेयर्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, एंड इट विल कीप गेटिंग इंटेंस, एंड डेफिनेटली वो आगे जाके एक सन के पावर में भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, मे बी कुछ टाइम के लिए जब वो एक फोटोनिक बेल्ट में रहेगा इट विल गो इन अ नोवा सुपरनोवा स्टेट, कोल्ड हो जाएगा, एंड देन अगेन आफ्टर आउटसाइड ऑफ इट इट विल शाइन अगेन. सो हमारे युग भी इसी तरह से डिवाइडेड हैं फॉर द मोशन ऑफ सोलर सिस्टम अराउंड द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, फोटोनिक बेल्ट इज लाइक सतयुग, ठीक है. सो इसका एक एग्जाम्पल है लाइक वेरी सून इन कमिंग मंथ्स, एंड दिस इज ऑलरेडी नोन टू द स्पेस एजेंसीज, बट इन कमिंग मंथ्स और कमिंग ईयर्स और मे बी डेकेड, आई डोंट नो द टाइम लाइन, बट डेफिनेटली दिस कैनॉट बी हिडन कि हम एक फोटोनिक बेल्ट में एंटर कर रहे हैं, एंड समहाउ आपको आउटर रियलिटी में दिखेगा दैट द गवर्नमेंट has started disclosing this to humanity also, क्योंकि कुछ चीज़ें बढ़ती जाएंगी, like solar flares will get intense. एक recent example था कि SpaceX ने Starlink satellites लॉन्च की थी, 49 satellites, उसमें से 40 collapse हो जाएंगी because of a big solar storm. तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे events plan करके रखे हैं एक timeline में हमारी galactic family में to prepare the humanity about this big disclosure about the sun changes, ठीक है, जब उन्हें समझ में आएगा कि sun is changing and definitely that will impact the whole nature of planet earth, okay. सो ये था. इसके अलावा एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और शेयर करना चाहूँगी, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द असेंशन जर्नी, बट जैसे आप आने वाले टाइम में बहुत चेंजेस देखेंगे कि कुछ सोल्स शायद प्लैनेट लीव कर रही है दोबारा रीइनकार्नेट होने के लिए इस असेंशन जर्नी में, या आपकी रियलिटी से चली गई हैं, तो आप इसको एक अलग कॉन्शियसनेस में बता रही हूँ, मे बी बियॉन्ड द 4D कॉन्शियसनेस इज अ मोनाड कॉन्शियसनेस वेर इन आप क्रिएटर हैं, यू आर द मोनाड सोल, एंड बाकी सोल्स जो हैं वो आपके प्रोजेक्टेड सोल्स हैं, ठीक है, ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ यू दोज आर द प्रोजेक्टेड सोल्स. तो जब आपके अंदर के शेडो साइड्स क्लोज होना स्टार्ट होंगे, ये प्रोजेक्शंस भी आपको आपके रियलिटी में थ्रू सम सिचुएशन स्टेप बाय स्टेप डिमिनिश होते दिखाई देंगे, गायब होते दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड इज अ प्रोजेक्शन. सो हमारी रियलिटी में जितने भी सोल्स हैं, नॉट ऑल सोल्स में भी रियल, ठीक है, देयर आर मेनी मेनी रियल सोल्स, बट बहुत सारे एक मोनाड के प्रोजेक्टेड सोल्स हैं, प्लस कुछ वो सोल्स के भी प्रोजेक्शन है विच आर जस्ट प्रोजेक्टेड पीपल लुकिंग अराउंड, बट दे मे और मे नॉट बी रियल सोल्स, ओके. सो जस्ट टेक दिस इफ रेजोनेट्स, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस कॉन्सेप्ट फॉर नाउ टोटली, जस्ट थॉट टू शेयर, ठीक है. सो आई नो बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, आई होप आपको समझ में आया हो, एंड लेट्स मीट सून विद अनदर टॉपिक.